नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में 1 मार्च से सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में शिक्षा महकमे के पास ये शिकायत आई है कि कुछ स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भी परीक्षा के लिए भौतिक रूप से स्कूल भेजने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा महानिदेशक ने स्कूल आने के लिए बच्चों पर दबाव बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल शासन की ओर से जारी आदेश में पहले से साफ किया गया है कि बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों की सहमति लेनी होगी और स्कूल भेजे जाने के लिए अभिभावकों और बच्चों को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा और स्कूल का संचालन हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा। ऐसे में भौतिक शिक्षण के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी तय होगी, लेकिन विभाग के पास इस दौरान कुछ अभिभावकों की शिकायत आई है कि बच्चों को परीक्षा के लिए स्कूल भेजे जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स के अध्यक्ष आरिफ खान के मुताबिक शासनादेश के हिसाब से कोई भी स्कूल किसी छात्र को भौतिक रूप से स्कूल बुलाने के लिए दबाव नहीं बना सकता। वहीं शिक्षा महानिदेशक ने भी शासनादेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है।